सपनों का दायरा असीमित होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि सपने अगर सिमट गए तो कोशिश अपना काम कैसे कर पाएगी। हेलो, माय नेम इज सुब्लक्ष्मी गोस्वामी एंड वेलकम टू माय चैनल इंटीमेट व्यू पॉइंट। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जाना कि अलिटरेशन क्या है। अलिटरेशन सेम साउंड वाले कॉन्सोनेंट के अगेन एंड अगेन रिपीटेशन को कहा जाता है। इसे और क्लियरली जानने के लिए आपको मेरे लास्ट वीडियो में जाना पड़ेगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और आज हम लोग जानेंगे कि एजोनेंस क्या है। तो फिर देर क्यों करना, लेट्स गेट स्टार्टेड। आप जानना चाहोगे कि अगर आज मैं एजोनेंस बताने वाली हूं तो मैंने एलिटरेशन का जिक्र यहाँ क्यों किया। वो इसलिए क्योंकि दोनों में एक माइनर सा सिमिलरिटीज है, दोनों में रिपीटेशन होता है। एलिटरेशन में रिपीटेशन होता है सेम साउंड वाले कॉन्सोनेंट का, और एजोनेंस में रिपीटेशन होता है मेनली वॉवल साउंड का। तो इसे और क्लियरली जानने के लिए चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। सबसे पहले कुछ वर्ड्स के थ्रू इसे समझते हैं। देखिए, यहाँ फर्स्ट में है सीम्स, बीम, ग्रीन। सेकेंड में है फ्लैप, ग्लैड, एड, एप्पल। थर्ड में वे, मेक, स्टेट, प्लेट। फोर्थ में डोज, सोल, ओवल। कुछ समझ में आया? नहीं? चलिए एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट रो में है सीम्स, बीम, ग्रीन। इन तीनों वर्ड्स में ई साउंड कॉमन है, ई वॉवल साउंड कॉमन है। और सेकेंड में फ्लैप, ग्लैड, एड, एप्पल, इसमें ए साउंड, ए वॉवल साउंड कॉमन है। ए और ए दोनों में डिफरेंस होता है, ये याद रखिएगा। थर्ड में है वे, मेक, स्टेट, प्लेट, इसमें ए वॉवल साउंड रिपीट हो रहा है। और फोर्थ में डोज, सोल, ओवल, इन तीनों में ओ साउंड कॉमन है। नाउ लेट्स टेक अ लुक ओवर द डेफिनेशन। एजोनेंस इज द रिपीटेशन ऑफ द सेम और सिमिलर वॉवल साउंड्स विद इन वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। आई होप कि आपको इसका मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं इस वर्ड का मीनिंग। ये वर्ड बेसिकली लेटिन फ्रेज एजोनेंस से डिराइव किया गया है, जिसका मीनिंग होता है सेम साउंड में आंसर करना। द वर्ड एजोनेंस इज डिराइव फ्रॉम द लेटिन फ्रेज एजोनेर, मीनिंग टू आंसर विद द सेम साउंड। एजोनेंस का यूज एवरीडे इंग्लिश में नहीं पाया जाता, या फिर कभी कभार देखा जाता है, बट एजोनेंस ऑकर्स इन मोस्टली इन पोएम्स एंड पोएट्रीज टू क्रिएट रिदम। सो बेटर एक्सप्लेनेशन के लिए चलिए देखते हैं अनदर एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल मैंने एक पोएम का लिया है। ये पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ का है, जिसका नाम है आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड, अ होस्ट ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स, बिसाइड द लेक, बीनीथ द ट्रीज, फ्लैटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। यहाँ इस पोयम में ओ साउंड का रिपीटेशन हो रहा है लोनली, फ्लोट, होस्ट, डेफोडिल्स में, और ई साउंड का रिपीटेशन हो रहा है बीनीथ ट्रीज और ब्रीज में। तो इस प्रकार वॉवल साउंड के बार बार रिपीटेशन से जो एक रिदम क्रिएट होता है, यही है एजोनेंस। आई होप कि एजोनेंस अब आप समझ गए होंगे। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिए, और अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए। और इनकरेजमेंट के लिए सब्सक्रिप्शन बटन को ऑन प्रेस करना मत भूलिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।